नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता। यूं तो 14 फरवरी को पूरे देश में सभी प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन डे मना रहे थे। इस दिन का सभी कपल्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। जहां बॉलीवुड के सभी सितारे अपने पार्टनर के साथ डिनर डेट पर गए, वहीं बॉलीवुड की बेबो ने अपना वैलेंटाइन डे अपने पति सैफ अली खान के साथ नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने इन लॉज के साथ मनाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया। आपको बताते चले कि वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद आता है बेबो के पापा का जन्मदिन, यानी कि रणधीर कपूर का बर्थडे 15 फरवरी को था। ऐसे में बेबो अपने पापा का जन्मदिन मनाने अपने छोटे बेटे जहांगीर के साथ अपने मायके पहुंची। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर ने 15 फरवरी को अपना 76वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। रणधीर कपूर की लाडली बेटी करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर उन्हें खास अंदाज में विश किया। करीना ने पापा और छोटे बेटे जह की एक फोटो शेयर की, जिसमें रणधीर के नाती जहांगीर अपने नाना को पाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नाना भला कैसे पीछे रह सकते हैं। रणधीर कपूर ने भी उसी अंदाज में पाउट करते हुए दिखे और यही तस्वीर करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अब ये फोटो इतनी खास है तो करीना का कैप्शन भी खास होना बनता है। करीना ने फोटो के साथ अपने पापा को बर्थडे विश करते हुए लिखा, मेरे दोनों पसंदीदा लड़के वही कर रहे हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हैप्पी बर्थडे पापा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वहीं बेबो के अलावा करिश्मा कपूर ने भी पापा रणधीर के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा, मेरे लिए सबसे खास इंसान है मेरे पापा। आपको बता दें, रणधीर कपूर अपनी दोनों ही बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर के काफी क्लोज हैं। वे अक्सर ही अपने परिवार संग फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं। वेल, आपके इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एंटरटेनमेंट की ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।